नमस्कार, मैं विकास कुमार एनसीटी लाइव में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं सुंदरपुरा पंचायत के वार्ड नंबर 9 में, जहां के वर्तमान वार्ड सदस्य सुनीता देवी जी हैं और उनके पति सुरेंद्र राय जी, रविंदर राय जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे विगत 5 वर्षों का इनका कार्यकाल कैसा रहा और इन्होंने विगत 5 वर्षों में क्या क्या विकास के कार्य किए हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 7 निश्चय योजनाएं लागू की गई, उनमें से कितनी योजनाओं को इन्होंने यहाँ के धरातल पर उतारा है, कितनी योजनाओं का लाभ यहाँ की ग्रामीण जनता को मिल पा रहा है, आइए हम इनसे जानते हैं। स्वागत है सर आपका। जैसा कि मुख्यमंत्री का 7 निश्चय का महत्वाकांक्षी योजना जो थी, हम लोग उसको प्रधानता के तौर पर मैंने अपने वार्ड में विशेष करके सबसे पहले 7 निश्चय योजना का PCC कराया। मुझे आपका सफल कार्य उपकूर्ण सर कार्य करने के बाद नली गली के काम, 100 नल जल का काम शुरू हुआ, जो कि भी 2 साल पहले से मेरा कार्य पूर्ण है। पानी पूर्णतः मैंने चल रहा है, हर आदमी को अवेलेबल मिल रहा है। अब वहाँ के अगल बगल ग्रामीणों से वाकिफ होंगे, जाकर पूछ भी सकते हैं कि मैंने हर घर में, माने मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना थी कि हर घर में शुद्ध पेयजल पहुँचा, मैंने पहुँचाने का कष्ट मैंने काम किया है। नल जल आपके क्षेत्र में 2 सालों से चल रहा है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि नल जल योजना लंबे समय के लिए बाधित रहा हो? जी हाँ, बाढ़ जो आपदा के समय में, बाढ़ के समय में मैंने कुछ समय के लिए वो बाधित था। जैसा कि हम बात करें जो गली नल योजना है, इसके तहत सरकार का कहना था कि प्रत्येक ग्रामवासियों को जो भी गली नली योजना है, जो भी कच्ची गलियां हैं, उन सभी गलियों को पक्कीकरण कराया जाए। क्या इस योजना के तहत आपके क्षेत्र की सभी कच्ची गलियां पक्कीकरण हो चुकी है, या फिर अभी भी कुछ ऐसी कच्ची गलियां हैं जहां पे जल जमाव जैसी स्थिति होती है? जल जमाव जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने स्तर से वार्ड सभा करा करके जहाँ जहाँ भी लोगों ने समर्थन दिया उसको मैंने पूर्ण कर दिया है। फिर भी कहीं कहीं लोगों के द्वारा मैंने रूप लगाया कि नहीं, इसको अभी नहीं करना है, बाद में करना है। जी हाँ, जमीनी विवाद के कारण ही कुछ रुका हुआ है, बाकी मेरा पूर्णतः नली गली काम मैंने पूर्ण कर दिया है। जैसा कि कोरोना काल के दौरान सरकार का निर्देश था कि प्रत्येक ग्रामवासियों को मास्क और साबुन का वितरण कराए, मुफ्त राशन का वितरण कराए, क्या इन योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को मिल पाया है? जी हाँ, वो तो आप जनता से भी पूछ सकते हैं, ये तो पूछने वाली बात है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आया आपका ये साबुन मास्क प्रत्येक मैंने परिवार को देना था, उसको मैंने दिया। उसका अभी मेरे पास मैंने उसका वाउचर के साथ साथ सब संलग्न है। दूसरी बार जब आया मास्क वितरण का समय, उसको भी मैंने करीब 2 महीना पहले ही वितरित कर दिया। जैसा कि हम बात करें कि वार्ड सदस्य के जिम्मे और भी कार्य हैं, जैसा कि राशन कार्ड, विधवा पेंशन, इंदिरा आवास और शौचालय, क्या इन योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र की ग्रामीण जनता को मिल पाया? जी हाँ, मैंने विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन हुआ, मैंने पूछी एक दुख छोड़ करके वो अफवाह स्वरूप है, बाकी सबको वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, बरसात इंदिरा आवास भी आपका जो उसके लाभुक हैं उनको मैंने अपने स्तर से दिलवाने का प्रयत्न किया, लगभग 80-90%। जी हाँ जी। अंत में आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, अगली बार अगर आप चुनाव में जाते हैं फिर तो इसके लिए क्या मुद्दा होगा, कि कौन सा मुद्दा होगा, कि कौन कौन से कार्य करना चाहिए? मैंने तो अपने मैंने व्यक्तिगत तौर पर केवल अपने 9 नंबर वार्ड को ही नहीं, मैंने पूरा पंचायत का भ्रमण किया है। हमारे पंचायत में 15 वार्ड है, 15वें वार्ड की जो भौगोलिक स्थिति है उसका भी मैंने पूर्ण अवलोकन किया है, कहाँ पर क्या जरूरत है उसको मैंने जो उसका एक अपना एक मैंने व्यक्तिगत तौर पर उसको मैंने अपने रूपरेखा मैंने जो होता है विकास का मापदंड जो होता है उसको मैंने अपने तैयार करके रखा हुआ है। अगर जनता चाहे वार्ड नंबर वार्ड के नाते जो समर्थन कर रही है वो भी चाहती है कि नहीं, अगर आप वार्ड सदस्य हैं तो अगर आप वार्ड सदस्य के रूप में आपने इतना विकास किया है तो कहीं अगर मुख्य के तौर पर अगर आपको मैं हमें मनोनीत करें तो हो सकता है कि आप इससे भी ज़्यादा विकास करें। तो मैं चाहूँगा कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो उनके उनकी मैंने जो इच्छा है उनकी जो महत्वाकांक्षा उसको पूर्ण करने के लिए मुझे जितना संभव होता है हर सक प्रयास करूँगा। जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे यहाँ के जो वार्ड सदस्य के पति रविंदर राय जी, तो इनका कहना है कि इनके वार्ड क्षेत्र में जो योजना है
सरकार द्वारा दी गई उन सभी योजनाओं को इन्होंने सफलता पूर्वक जैसे हमारे उतारा है, जैसे हमारे पंचायत के बगल की है आपकी विपत्ति देवी, इनका मैंने पेंशन कराया, आप इनसे भी पूछ सकती है कि हाँ आप पेंशन का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, खुद यहाँ जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो रविंद्र राय जी एक समाज सेवी के तौर पे भी है, अपने अपने वार्ड का ही नहीं अपने पंचायत का भी सेवा दिल से करते हैं। इनका कहना है कि वार्ड के नाते तो जो भी कार्य मेरे जिम्मे था उन सभी कार्यों को हमने बखूबी निभाया है, ये मुखिया के दावेदार के लिए भी पंचायत में आना चाहते हैं। इनका कहना है कि यहाँ की इस पंचायत की जनता अगर हमको मौका देती है तो एक अच्छे मुखिया के रूप में उभर के सामने आएंगे और पूरे पंचायत का पूरी ईमानदारी से सेवा करेंगे। इन्हीं सब तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए N29।